नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फिर से आपके साथ एक यूजफुल मजेदार टॉपिक लेके आई हूँ। यस फ्रेंड्स, बेसन जो रहता है या हर घर में अवेलेबल रहता है, ऐसा कोई भी घर नहीं होगा जिसके घर पे बेसन नहीं होता होगा, क्योंकि बेसन से हमारे घर में कढ़ी बनती है, पकौड़े बनते हैं, बेसन के लड्डू। हाँ फ्रेंड्स, मुंह में पानी आ रहा है पर मैं खाने की बात नहीं करने वाली हूँ। ये बेसन जो है ये हमारे स्किन के लिए भी इतना ही फायदेमंद है वो आपको बताने वाली हूँ। बेसन एक नेचुरल एक्सफोलिएटर है जिससे हमारी स्किन का ये डेड सेल्स लेयर बन जाती है, उसको निकालने में हेल्प करता है। साथ ही एक नेचुरल क्लींजर है जो सभी प्रकार की हमारे स्किन की इम्प्योरिटीज को निकालता है। ये हमारे एक्ने स्पॉट को, डार्क स्पॉट अगर हो जाते हैं या फिर सन का टैन हो जाता है, सभी को निकालता है। ओवरऑल ये स्किन को लाइटन और ब्राइटन करता है ना, बढ़िया बात। तो इस वीडियो में आपको इसे दो पैक बनाना सिखाने वाली, और गर्मी का अभी मौसम भी आने वाला है तो बहुत ही फायदेमंद है। जरूर वीडियो पूरा देखिए, फायदेमंद वीडियो है। और साथ ही नए दर्शक, आपको ऐसे यूजफुल टॉपिक चाहिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे, लाइक करिए, शेयर करिए। फर्स्ट पैक की बात कर लूँ, अगर आपको ग्लोइंग त्वचा चाहिए, अगर स्किन में बहुत ही एक्ने स्पॉट्स है, डार्क स्पॉट है, तो इसके लिए ये पैक है। इसके लिए आपको चाहिए एक चम्मच जितना बेसन, दो चम्मच जितना मिल्क। दूध के ऑप्शन में अगर आपको दूध नहीं लेना है तो आप दही भी ले सकते हैं, और पिंच ऑफ हल्दी। अभी डायरेक्टली हम इसको लगाएंगे। नेक्स्ट पैक के लिए चाहिए हमें वही एक चम्मच जितना हम बेसन ले लेंगे, रोज वाटर, साथ ये भी हनी ले लेंगे, एक और एलोवेरा जेल थोड़ा सा। चलिए सेकेंड पैक भी रेडी हो गया है। ये पैक आपके चेहरे के साथ साथ गले में, हाथों, पैरों में भी लगा सकते हैं। इससे भी आपको ठंडक होगा, और जो भी सन की वजह से, हार्मफुल रेज की वजह से आपको जो टैन हो गया है, पिगमेंटेशन आ गई है, उसको लाइटन करने में ये हेल्प करेगा। और हाँ फ्रेंड्स, जब भी आप पैक लगाते हैं बेसन का खास करके, तभी बहुत ही, आप उसको ऐसा नहीं है जब तक पूरा ड्राई हो जाए तब तक रखना है, 5 से 7 मिनट बस हो गया, फिर आपको धोना है। और धोने में भी ध्यान रखना है, ऐसे पूरा रगड़ना नहीं है। पहले क्या करना है, पानी को मारना है आपके मुंह पे, और जब ये हमारा पैक जो है एकदम लूज हो जाए तभी धीरे धीरे आपको निकालना है। और अगर आपकी त्वचा बहुत ऑयली है तो फिर आप 10 मिनट तक मैक्सिमम रख सकते हैं, फिर आपको धो देना है। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा, जरूर ट्राई करें, आपको डेफिनेटली फायदा होगा। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, स्टे हेल्दी, स्टे ब्यूटीफुल।